सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए हम वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 12 वचन 11 से। नीति वचन अध्याय 12 वचन 11 से। जो अपनी भूमि को जोतता वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता वह निर्बुद्धि ठहरता है। दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं। परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है कि जो अपनी भूमि को जोतता है वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता वह निर्बुद्धि होता है, निर्बुद्धि ठहरता है। वचन कह रही है कि जो कोई मनुष्य मेहनत करता है, परिश्रम करता है, कर्म करता है, वह सदैव तृप्त होता है वह पेट भर के खाता है, वह तृप्त होता है। परंतु जितने निकम्मे होते, निकम्मे लोगों की संगति करने वाले, वह निर्बुद्धि ठहरता है बिना बुद्धि वाला ठहरता है, क्योंकि उसे इस बात का ज्ञात नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए वह क्या करता है कि ऐसे निकम्मे लोगों की संगति करता और निकम्मे काम करता है। वह मेहनत नहीं करता, परिश्रम नहीं करता, कर्म नहीं करता, अर्थात जो आलसी होता है, आलसी मनुष्य निर्बुद्धियों के समान ठहरता है। वचन कहती है कि दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं। जितने दुष्ट जन होते हैं, जो दुष्टता के काम करने वाले होते हैं, वह बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं परंतु धर्मी की जड़ हरी भरी रहती है। जितने दुष्टता से भरे हुए, दुष्ट काम करने वाले लोग होते हैं, उन दुष्ट लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं, यानी जैसा वह काम करते हैं, जैसी उनकी अभिलाषाएं होती है, वह उन अभिलाषाओं की तरफ ध्यान देते हैं। यानी जो बुरे बुरे लोग होते हैं, वह उनके अभिलाषाएं बुरे कामों की तरफ लगी रहती है, और वह बुरे कामों से बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए वचन कहती है, परंतु जितने धर्मी जन होते हैं, धर्मी जन की जो जड़ें होती है हरी भरी रहती है, वह सदैव खुशहाली से भरे रहते हैं, आनंदित रहते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म करते हैं और वह परमेश्वर के दृष्टि में वो महान होते हैं। इसलिए जो परमेश्वर जीवन का सोता है, जितने धर्मी जन हैं, ऐसे लोगों को हर प्रकार की आशीषों से भर देता है। लेकिन जितने दुष्ट जन होते हैं, ऐसे दुष्टों के ऊपर वह श्राप को उत्पन्न करता है, उसे उसके ऊपर दंड की आज्ञा उत्पन्न करता है। इसलिए वचन कहती है, बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है। बुरा मनुष्य अपने बुरे बुरे वचन, बुरे बुरे शब्दों के कारण, बुरे कामों के कारण वह फंदों में फंसता है, वह विनाश में फंसता है।
उसके प्राण जो है मृत्यु की तरफ जाते हैं, वह दंड में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। परंतु जो धर्मी जन होते हैं वह हर प्रकार के संकटों से वह बाहर निकलते हैं। वचन कह रही है कि सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त हो जाता है। जो सज्जन मनुष्य होते हैं, जो धर्मी जन होते हैं, वह अपने शब्दों के कारण, अपने वचनों के कारण वह फल उत्पन्न करते हैं और उस फल के द्वारा भलाई के हर कामों से तृप्त हो जाते हैं। यानी जो धर्मी होते हैं वह हमेशा उनकी जुबान से पवित्र वचन निकलते, पवित्र शब्द निकलते हैं, उनके काम भी पवित्र होते हैं। ऐसे कामों के द्वारा, ऐसे फलों के द्वारा वह भलाई से तृप्त हो जाते हैं, परमेश्वर के द्वारा आशीष पाकर वह तृप्त हो जाते हैं। और जैसी जिसकी करनी होती है वैसी ही उसकी भरनी होती है। अर्थात जितने बुरे मनुष्य होते हैं वह दंड के योग्य होते हैं, और जितने भले होते हैं वह जीवन पाने के योग्य होते हैं। इसीलिए वचन कहती है जो अपनी भूमि को जोतता है वह पेट भर खाता है। अर्थात जो परमेश्वर के मार्ग पे चलता है, परमेश्वर की सुनता है और परमेश्वर के वचनों में बना रहता है वह सदैव आनंदित होता है, वह अनंत जीवन की आशीषों से तृप्त हो जाता है। परंतु जो निकम्मों की संगति करता है वह निर्बुद्धि ठहरता है, अर्थात वह अपने प्राणों को नाश करता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के वचन में ढालिए ताकि आप परमेश्वर के द्वारा जीवन पाओ। इसलिए आइए, मैं आज सुबह की प्रार्थना हरे के लिए करता हूँ। इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर आपको पूरे दिन आशीषों में भर कर रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं इतना धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, तू अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर इन सबके शरीर को स्पर्श कर। जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, हर एक के शरीर को स्पर्श कर ताकि इनके शरीर के अंदर जितने भी दुख तकलीफ बीमारियाँ बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, आज पूरे दिन तक इन्हें बिल्कुल सुरक्षित अपने आशीषों में भर के रख ताकि इनके द्वारा कोई गुनाह, कोई अधर्म के काम न होने पाए, हर पाप हर अधर्म से इन्हें बचा। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके शरीर में जो भी दुख है, तकलीफ, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए, हर दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारगरी के बंधन, सारे बंधन टूटने पाए। ओ महान परमेश्वर, आज पूरे दिन के लिए, हे परमेश्वर, इनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आज पूरे दिन इन्हें अपने आशीषों में ढांप के रखता कि हे परमेश्वर तेरी आशीष से सदा इनके जीवन में बनी रहे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करता जैसा तेरी वचन में लिखा गया है कि जो मनुष्य विश्वास करता कभी लज्जित नहीं होता है। परमेश्वर, ये लोग तेरे विश्वास से प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार इन्हें भला चंगा कर, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इन सबके शरीर में जो भी बीमारियां छुपी है वह सारी बीमारियां इनका शरीर छोड़े निकल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके शरीर में जुकाम हो तो जुकाम नष्ट हो, खांसी हो तो खांसी निकल जाए, बुखार हो तो बुखार शरीर छोड़े निकल जाए, बुखार शरीर छोड़े निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया बिल्कुल नष्ट हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके सर में दर्द हो, सर का दर्द, बदन का दर्द निकल जाए। हे परमेश्वर, सर का दर्द, बदन का दर्द नष्ट होने पाए, इनके पूरे शरीर का दर्द निकल जाए, हड्डी हड्डी का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का दर्द निकल जाए, नसों का दर्द बिल्कुल नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके सीने में प्रॉब्लम, सीने का प्रॉब्लम दूर हो जाए, सांस फूलने की बीमारी निकल जाए, जिस कारण से सांस फूलती हुआ कारण ही नष्ट कर, और इन्हें भली बात चंगा कर, इनके गले की खराश बिल्कुल नष्ट होने पाए, सीने में दर्द हो या सीने में जलन हो तो नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, इनके सीने में कफ का जकड़न हो तो बिल्कुल दूर होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जैसा तूने वचन में कहा कि यदि मनुष्य एक राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, उस पेड़ से कदे दरिया में लग जाए, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर, राई के दाने के बराबर इनके विश्वास को बढ़ाने के लिए भली बात चंगा कर, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए।
ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के अंदर जो भी तकलीफ है तू देखता और जानता है, उस सारी तकलीफों को इनके शरीर से अलग कर और इन्हें चंगा कर। हे परमेश्वर, जैसा आपके वचन में लिखा गया है कि मैं तुझे बहेलिए की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। पिता, वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करता, शैतान रूपी बहेलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है, शैतानों को नष्ट कर, इन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि शरीर के अंदर कोई प्रकार के वायरस का असर हो, यीशु के नाम से वह वायरस नष्ट होने पाए। जो हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन सबके लिए कि इनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव हो, तो हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि उसके शरीर के भीतर से कोरोना का असर बिल्कुल खत्म होने पाए, वह हर प्रकार का वायरस जलकर नष्ट होने पाए, हर महामारी का असर बिल्कुल दूर होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जैसा, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उस वचन के अनुसार, जैसा आपने कहा कि मैं तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाऊंगा, तो हे परमेश्वर, जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं उन्हें हे परमेश्वर इन सारी महामारियों से बचा मेरे प्रभु, ताकि हे परमेश्वर हर प्रकार का वायरस और उसके जो 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 लक्षण इनके शरीर के अंदर है, वो सारे लक्षण बिल्कुल जलकर नष्ट होने पाए। आज के 2000 साल पहले कलवे के उस पर लहू बहाया था, उस सामर्थ्य लहू के द्वारा इनके शरीर को धो दे मेरे प्रभु, ताकि तेरे लहू के धुलने से शरीर बिल्कुल भली चंगी हो जाए, शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए, हर प्रकार के वायरस जलकर नष्ट होने पाए, हर प्रकार की महामारियां जलकर नष्ट होने पाए, कोरोना बिल्कुल इनके शरीर इनके जीवन से निकल जाए, इनके घर से निकल जाए, परिवार से निकल जाए। हे परमेश्वर, जिन जिन लोगों के शरीर के अंदर जुकाम खांसी बुखार है बिल्कुल नष्ट होने पाए, कब का जकड़न दूर होने पाए, सीने में प्रॉब्लम हो तो दूर हो जाए, सांस फूलने की बीमारी निकल जाए, कमजोरियां नष्ट हो, नई ताकत शक्तियां आए। हाँ मेरे प्रभु, इनकी हड्डी में ताकत भर दे। हम प्रार्थना करते हैं इनके हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियाबाद की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रवेशु के नाम से आगे रहता हूँ, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इनके घर, इनके परिवार, इनके रोजी रोजगार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। हे परमेश्वर, इनका रोजगार दिन प्रतिदिन बढ़ना चालू हो जाए, जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी मिलने पाए, इन्हें गरीबी के श्राप से छुटकारा दे मेरे प्रभु, इन्हें कर्ज के बोझ से छुटकारा दे, ताकि इनके सर का कर्ज बिल्कुल अदा होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन, हर एक के घर परिवार में आशीष दे, ताकि इनके जीवन में जितनी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, जिसके पास घर नहीं उसे घर मिले, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन मिलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन को हम तेरे हाथ में देते प्रभु, हर एक के जीवन को अपनी आशीषों में ढांप ले, ताकि संसार और संसार की सारी शक्तियां, हे परमेश्वर, यदि इनके जीवन में कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करती है तो जलकर नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जैसा आपने कहा वचन में कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया तो कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए वे तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को इन सबके लिए भेज। हे परमेश्वर, आज्ञा दे स्वर्गदूतों को, ताकि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे, कि शरीर में जितने भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां नष्ट होने पाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते आकाश के सोते से अपनी महिमा की आशीष हर एक के जीवन में आने दे, ताकि हे परमेश्वर इन सबके जीवन में चाहे जो कोई बीमारी निकल जाए, कोई दुष्ट आत्माएं निकल जाए, जिसके पास संतान न हो परमेश्वर ने संतान की आशीष दे। जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, हे परमेश्वर उनके जीवन में जितनी आवश्यकता है पूरी हो जाए, जीवन की सारी मुश्किलें आसान हो जाए, हर प्रकार की परेशानियां नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। ओ महान प्रभु, हम यीशु के नाम से विनती करते हैं कि तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम यीशु के नाम से हरे के लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरे को आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम